ऐसे कीजिएगा। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल बी द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस क्लास। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड कि संविधान सभा कैसे बना, उसमें कैसे मेंबर्स आए, और उसके बाद हमने देखा कि संविधान बनने के क्रम में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस जो पास हुए, तो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में यह माना गया, यह इसके द्वारा बात बताया गया कि हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विल बी, हमारा संविधान कैसा हो। तो इनके लिए जैसे हमारा संविधान सोवरेन हो, सोशलिस्ट हो, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक, या जो पावर हो यूनियन के, केंद्र के, तो कैसे हो, राज्य सरकार के क्या दायरा हो, सारे के लिए कमिटीज का गठन होता है, और कमिटीज, वेरियस कमिटीज का गठन होते हैं। इनके अलग अलग कमिटीज होते हैं, स्टीयरिंग कमिटी जिस वो राजेंद्र प्रसाद के पास होते हैं, बहुत सारे कमिटीज के हेड सरदार पटेल होते हैं, और बहुत सारे के हेड, बहुत सारे कमिटीज के रिपोर्ट हेड जवाहरलाल नेहरू होते हैं, उस सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। तो ये सारे कमिटीज रिपोर्ट्स को जब सौंप देते हैं, तो और उस रिपोर्ट के कलेक्शन को हम लोग ड्राफ्ट बोल देते हैं, ड्राफ्ट। अब यहां तक बात आई है, डिफरेंट कमिटीज अपने रिपोर्ट्स तैयार किए हैं, डिफरेंट कमिटी, डिफरेंट समिति अपने सिफारिश दिए हैं, और उन पे एक रिपोर्ट तैयार होकर उसका कलेक्शन हुआ है, उसको ड्राफ्ट बोल देते हैं। और ये ड्राफ्ट पीएन राव, जो एडवाइजर हैं संविधान सभा के, उन्हें दे दिया जाता है, और उनके बाद आगे की प्रक्रिया बढ़ती है। इतने में ही 15 अगस्त 1947 का समय आ जाता है, यहाँ देश आजाद हो जाती है, और हमारे ही देश से एक दूसरे देश पाकिस्तान बन जाता है। तो अब बात होती है कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग का कहना था कि हम अब इसमें नहीं रहेंगे, हम अब इसमें नहीं रहेंगे, तो जो हमारे उसमें संविधान सभा में 389 जो मेंबर हुआ करते थे, अब 299 रह गए। बात अब आगे की प्रक्रिया आती है, देश आजाद हो जाती है, तो पाकिस्तान बन जाता है, और आगे इसमें संविधान का बात को आगे बढ़ते हुए बात इस कदर होती है कि 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमिटी का गठन हुआ। ये बहुत याद करने वाली बात है, ये पीसीएस आरओ के एग्जाम पूछ दिए जाते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमिटी का गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947, डॉक्टर बी आर अंबेडकर इनके अध्यक्ष बनाए जाते हैं,
और छह इनमें सिक्स मेंबर हुआ करते हैं। इनमें के एम मुंशी हैं, अयंगर हैं, माधव राव हैं, ए बट प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी बहुम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डेट्स वाई इट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। या इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता इसे बोलते हैं। अब ये ड्राफ्टिंग कमिटी के जो रिपोर्ट बनते हैं, ड्राफ्टिंग कमिटी जब रिपोर्ट अपना बनाते हैं, इनको अंबेडकर रिपोर्ट भी बोलते हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये ड्राफ्ट तैयार हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, अभी एक भी आर्टिकल लिखा गया नहीं है। अब यहां तक हम लोग पहुंचे हैं, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन अपना बन जाती है। इसके बाद हमें देखना होगा कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जब बन जाती है तो फैब 1948 से लेके नवंबर 1949, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे ये बात होती है और इस पे डिबेट्स और डिस्कशन होते हैं। डिबेट्स और डिस्कशन के बाद फाइनली 26 ऑफ नवंबर 1949 को हम लोग ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करके इसका नाम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे देते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का नाम क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का नाम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, इंडिया भारतीय संविधान नहीं, बट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, यह एक्सप्लिसिटली लिखा गया है आर्टिकल अनुच्छेद 393 में। भारतीय संविधान को क्या कहा गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सवाल आ जाए कि भारतीय संविधान का नाम क्या है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहां तक क्लियर होगी, आई थिंक यू आर गेटिंग द थिंग्स। नवंबर 1949 को संविधान सभा में एडॉप्ट कर लिया जाता है हम लोगों के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन, बट अभी कुछ ही प्रोविजंस यहाँ पे लागू होते हैं, पूरा प्रोविजंस लागू नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग वेट कर रहे हैं एक अच्छे दिन का, 26 जनवरी 1950। समझा जाए।
1929 में लाहौर सेशन में हमने कहा है कि 30 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो इस तरह से, और जब 30 जनवरी 1930 आया तो हम लोग मनाए भी, इस सॉरी 26 जनवरी। तो ये डेट हम लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस समय का वेट किया जाता है। और 26 नवंबर ना रख के, 1949 को ना रख के 26 जनवरी 1950 का वेट किया जाता है, क्योंकि लाहौर अधिवेशन के हिसाब से जो हमने शपथ लिया था कि अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे 26 जनवरी 1930 को, तो इस डेट का बड़ा ही सिग्निफिकेंट हो जाता है, इसलिए हम वेट करके 26 जनवरी 1950 को ये संविधान इन्फोर्स कर दिया जाता है। ये 26 जनवरी 1950 मीन्स व्हाट? दिस डेट कॉमेंसमेंट, कॉमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इस दिन से फुल्ली इन्फोर्स्ड संविधान क्या हो गया है, लागू हो गया है ऑन होल टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे भारत पे शुरू हो गया है। यहां पे एक चीज गौर करेंगे, 2015 से हम लोग सब 26 नवंबर को क्या मना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, गौर करने की बात है, 26 नवंबर को हम लोग संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया, इसलिए 26 नवंबर 1949 को एडॉप्शन का दिन है, इसीलिए इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में चुना गया है। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान लागू हो गई है, इसलिए इसको ये 26 जनवरी नहीं 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। अब यहां पे कुछ फैक्चुअल बात आ जाती है, इस संविधान सभा में टोटल 11 सेशंस हुए हैं बनाने में, जिनको सत्र बोलते हैं, 165 सीटिंग हुई है, बैठक हुई है, आगे पढ़ेंगे सीटिंग क्या होता है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना शुरुआत में, तो इनमें टोटल 395 आर्टिकल्स थे, कितने अनुच्छेद थे, 395। नोट कर लीजिए आप लोग, इम्पोर्टेंट है। और इसमें टोटल 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे हैं बनाने में, इस तरह से हमारी संविधान बन के रेडी हो जाती है और 26 जनवरी 1950 के बाद पूरे देश पे लागू हो जाता है। इनमें संविधान सभा में जो संविधान बन रही थी, तो काफ़ी डिबेट्स एंड डिस्कशन, काफ़ी कंट्रोवर्सी वाली बात हुई। वहाँ एक मुद्दा है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसमें काफ़ी ये वाद विवाद हुआ। फाइनली ये
कुछ कुछ बहुत सारे। तो आगे जब हम लोग संविधान के आगे पार्ट जब पढ़ेंगे, जब इन डिटेल हम लोग होंगे, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कंट्रोवर्सी आई। बस ये मोटा मोटी संविधान के फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मोटा मोटी थे, तो कि कैसे संविधान सभा का गठन हुआ, फिर संविधान सभा में कैसे कैसे कमिटी जाए, रिपोर्ट आए, उद्देशिका पत्र जारी हुआ कि संविधान ऐसा हो। उसके बाद हमने क्या देखा कि संविधान के बहुत सारे कमिटीज, टोटल 22 कमिटीज थे, उसमें 12 प्रोसीजर कमिटी थी, 10 सब्सटेंसिव कमिटी थे। तो वो सब अपना रिपोर्ट तैयार करके जब दिया, तो उसे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हम बोले। और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जब आगे उस पर डिबेट्स और डिस्कशन होने लगा, तो वो अलग अलग संविधान का मोर, फिर आर्टिकल्स लिखाने लगे, फिर इस तरह से संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को उसको ये किया गया। उसके बाद फिर उस 26 जनवरी, वो डेट सिग्निफिकेंट था, तो वो वेट किए हम थोड़े दिन, और 26 जनवरी 1950 को फाइनली हम एक वो लागू कर दिया हमने। तो दिस वॉज द बेसिक जिस्ट ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेटर विल बी डिस्कस इन डिटेल, जहाँ पे आएंगी ये सब बात उसको डिटेल किया जाएगा। ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें, क्योंकि ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ, और इसके चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रहे, बाबा साहेब। तो इस तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। 11 सेशंस हो के 165 सिटिंग होते हैं टोटल। आर्टिकल शुरू में इतना होता है, 2 महीना 11 2 साल 11 महीना 18 दिन इसको लगते हैं। और ये जो एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है 26 जनवरी 1949 को, इसीलिए 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 393, 393 अनुच्छेद में साफ लिखा गया कि भारत संविधान का नाम क्या होगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान भारतीय संविधान नहीं होगा, भारत का संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा। तो ये हमने देखा। और कुछ बेसिक फैक्ट्स जो याद करने हैं थोड़े, वन डे एग्जामिनेशन आरओ एआरओ के कमिंग एग्जामिनेशन में इसमें फैक्ट्स। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, फर्स्ट सिटिंग, नोट कर लीजिए इसको। ग्यारह दिसंबर को इलेक्शन हो जाते हैं, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इनमें टेम्पोरोरी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाए जाते हैं, फिर ये मीटिंग करवा देते हैं जैसा बताएं। तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट यानी अस्थाई अध्यक्ष बन जाते हैं, और एस सी मुखर्जी को
वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। किसका? संविधान सभा का, भारत का नहीं, संविधान सभा। फिर नोट करते जाइएगा, फिर एक डेट है 29 अगस्त 1947, इसमें ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग कमिटी का गठन होता है, कमिटी का गठन होता है। हाँ, एक डेट छूट गया, 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होता है, उद्देश्य पत्रिका। इसी से पता लगता है कि संविधान में हम लोग को क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, कैसा संविधान रखना है, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं। इसमें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर आर अंबेडकर, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड हैं, इसलिए इनको जनक बोल देते हैं। पीएन राव ये एडवाइजर थे, क्या थे? एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के एडवाइजर थे। ही वॉज नॉट ए मेंबर, ही वॉज एडवाइजर टू संविधान सभा। तो इन्हीं को दिया जाता है। और ड्राफ्टिंग कमिटी में 6 और मेंबर होते हैं, उसमें माधव राव, के एम मुंशी, अय्यर, अयंगर, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये और 26 नवंबर 1949 इस दिन एडॉप्ट करते हैं, इसीलिए इस 26 नवंबर को ही और 2015 से क्या मना रहे हैं, संविधान दिवस। आर्टिकल 393 इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है, भारत का नाम क्या होगा, नेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। टोटल सेशन कितने हुए हैं संविधान सभा में, 11। टोटल सीटिंग 165। टोटल मेंबर 389 थे शुरू में, फिर पाकिस्तान के बनने के बाद, मुस्लिम लीग के हटने के बाद, ये क्या 299 रह जाते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। टोटल समय 2 year 11 month 18 days। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं संविधान सभा के, ये लोग आप लोग इसे याद रखिएगा। यहाँ से वन डे एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, पीसीएस प्रीलिम्स में भी ये सब पूछे जाते हैं। और
हो गया, लाइट चली गई सर।